नहीं वो तो खुशी तो होंगी है, उसलिए एक बार रिकोगनाइज जां कोई नोटिस करता है तो उस खुशी तो होंगी है, एक तरह नाल नोटिस किया गया कि हाँ मैं भी कुछ करा रही हाँ। साहित्य अकैडमी अवार्ड ट्रांसलेशन 2021 जो है वो अनाउंस हुआ, और मैं बता दूं आपको कि जम्मू के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जम्मू से और कश्मीर से जो हैं वो डोगरी के ऊपर, कश्मीरी के ऊपर जिन्होंने काम किया है साहित्य के ऊपर, उनको जो है अवार्ड दिया गया। मैं बता दूं आपको, आज जो इस समय मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वह हैं डॉक्टर नीलम सरीन जी, जिन्होंने डोगरी साहित्य के ट्रांसलेशन के ऊपर कार्य किया और उसके बाद उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी ट्रांसलेशन 2021 से जो है वो नवाजा गया। क्या कुछ कहते हैं जो सारी जानने की कोशिश करेंगे इनसे, और कितना बढ़िया सफ़र रहा है इनका यहाँ तक, यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड जो नेशनल लेवल का बहुत बड़ा अवार्ड है। और नीलम जी, सबसे पहले आपको और आपके परिवार को डोगरी साहित्य अकेडमी अवार्ड डोगरी ट्रांसलेशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। अवार्ड क्योंकि डोगरी में मिला तो अभी हम बात डोगरी से करके, मैं जरूर जानना चाहूँगा और सारे दर्शकें भी, मैं चाहूँगी तो सुनाओ कि किस डोगरी ट्रांसलेशन ऊपर तुम्हें कोई कार्य किया जो बात हुई है अवार्ड दिता गया। एक्चुअली मेरी दो चार पांच किताबें ट्रांसलेशन अनुवाद किया था मैं, पर एक किताब है मेरी पाकिस्तान की हकीकत कने रूबरू, तो वो किताब सतीश वर्मा जी हुंदी किताब है, तो उस उन्हें लिखी दी है, तो उन्हें ये अस यात्रा विवरण भी आखी सकने हैं क्योंकि सतीश वर्मा जी एक पत्रकार न, तो वह पत्रकार के नाते जो अटल बिहारी वाजपेई कन्ने पाकिस्तान च गए हे, तो वो उत्थे उन्हें जो जो उन्हें अनुभव होए, जो जो उन्हें जिन जिन लोगों कन्ने मिले, तो वह सारा इन्हें किताब च विवरण किया है। एक्चुअली इन्हें स्टार्ट किया है बड़ा अच्छा कि ये कुतै होटल च ठहरे तो उत्थे कुछ लोग इन्हें पुंछ के लोग इन्हें मिलने वास्ते आए, तो इन्हें अपनी किताब च भी उसे डोगरी च गै लिखे दा है क्योंकि वह पुंछ के लोग इन्हें मिलने वास्ते आए कि अस बड़े इत्थे दुखी हाँ, तो क्योंकि वो 72 की जो बाहर हुई ही, जो 71 की जो बाहर हुई, तो वो उदू लोग बाहर चली गए हे उत्थे पाकिस्तान च, वो आखते अस बाहर तो चली आए हैं इतने, पर इतने अस सुखी नहीं हाँ, बड़े दुखी हाँ, तो इस तरीके कन्नै इन्हें किताब की शुरुआत की दी है। फिर उसके बाद इन्हें काफ़ी सारे जड़े पाकिस्तान जड़े इनकी आखी सकने की अनुभव होए, इन्हें सारे गै उस किताब च लिखे दे न। उसके अलावा कश्मीर समस्या किस तरीके कन्नै पैदा हुई, वो भी इन्हें इस किताब जिन्हें लिखे था कि कश्मीर समस्या क्यों पैदा हुई, और पाकिस्तान साढ़े इस मतलब किसे जवाहर लाल नेहरू की गल की दी है इन्हें कि उन्हें जदों उत्थे उत्थे गिरफ्तार किया हा, फिर उसके बाद इन्हें मतलब उसके कन्ने इतिहास की गल भी की दी है, मंदिर की गल की दी है उत्थे, और बड़ा अच्छा ये किताब च लिखे और मैं जिसे किताब पढ़ी तो मैं लग्या मेरा मन किया कि मैं डोगरी च मैं जरूर इस एक गल जानना चाहूँगी, तुम्हें इये किताब कहली चुनी कि इसी डोगरी चाहिए जो ट्रांसलेशन करचै, पहली गल दूई गल ये किताब के हिंदी च लिखोई दी या इंग्लिश च? ये दोनों भाषा च लिखोई दी है, हिंदी च भी लिखोई दी है ओरिजिनल, तो डोगरी च भी लिखोई इंग्लिश च भी लिखोई दी है। तो जिसले मैं किताब पढ़ी तो मेरा मन किया कि अगर ये कश्मीर समस्या पर यह गल है, साढ़े बच्चों की आने वाली पीढ़ी की पता होना चाहिए कि यह समस्या क्यों पैदा हुई, ये ऐसे क्यों कौन कौन जिम्मेवार ने लोग इतने जड़े जड़े कि किताब जड़े, पर बाकी यात्रा विवरण है बड़ी अच्छी है, बड़ी मतलब कि पढ़ने से बड़ा मज़ा आता किताब च, और मी भी मज़ा आया पढ़ने का, इस करिए मैं एक किताब का इसका अनुवाद किया है। तुम्हें जो अवार्ड थोड़ा साहित्य अकैडमी डोगरी ट्रांसलेशन 2021 अवार्ड इसी किताब पर थोड़ा? हाँ जी, इसे किताब पर मैं अवार्ड मिला। तो पहली बार कुछ पता चलिया कि तुम्हें अवार्ड मिलने जा रहा? एक्चुअली इसके बारे में सारा पता नहीं होंगे, सिर्फ साहित्य अकैडमी की कोई महीना पहले फोन आया कि सू पांच कापियां भेजी दो, तो असें पांच कापियां भेजी दी हैं, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पर कल दोपहर ही फोन भी आया पर ईमेल भी करने के आई गया हाँ। ईमेल कनेहा महसूस कराया जिसले अवार्ड अनाउंस होया, नेशनल लेवल पर अवार्ड होया और तुंदा नाम जरा अज मैं देखा कि जेडे साडे माननीय उपराज्यपाल महोदय उन्हें भी तुम्हें जी मुबारक गल की दी है, तो कनेहा फील कराया? नहीं वो तो खुशी तो होंगी है, अस जिसले अस काम करने आ, मैं तो शायद पिछले मेरी PhD 2000 च हुई ही, तो उसके बाद मैं लगातार काम करा दी कल्चर आस्ते लोक साहित्य आस्ते, तो ठीक है जिसले एक बार रिकोगनाइज जां कोई नोटिस करता है तो उस खुशी तो होंगी है, एक तरह नाल नोटिस किया गया कि हाँ मैं भी कुछ करा दी हाँ, तो वो खुशी तो मेरे ख्याल च बहुत ज़्यादा खुशी होंगी। अच्छा तुम्हें जिक्र किया PhD का, तुम्हें PhD डोगरी की है? डोगरी PhD की MPhil की है, PhD मतलब कि MPhil भी मैं डोगरी की है और PhD भी डोगरी। अच्छा, डोगरी उपर जो अस गल करचै तो काफ़ी ज़्यादा जो सू लिटरेचर लगता नहीं है डोगरी उपर, जो गल करचै लोग भी आखते हैं कि डोगरी भाषा जी पिछे रही गई है, तो वो तैयार तुम्हें PhD की तो फिर तुम्हें कि ऐसे स्टैप भी लैते होने जो डोगरी प्रमोट की जाए जो अगर बधाई जा, तो
किस फील्ड च तुसें कम्म कीता? अस एह् नहीं आखी सकदे कि डोगरी जेह्ड़ी ऐ ना ओह् बड़ी इ'यां भाशा पिछड़ी दी भाशा ऐ। डोगरी दा अस मेरा लोक साहित्य दा कम्म ऐ ते राइटर लोग लिखदे न, कविता लिखदे न, उपन्यास लिखदे न, पर मैं लोक साहित्य पर बहुत ज़्यादा डीपली इं'दे पर। कल्चर अकैडमी ने 1961 च जदों कल्चर अकैडमी बनी ते इन्हें लोक गीतें गी कंपाइल किया जेड़े कि 17-18 भाग न। लोक सरिता मैं एक बार जरूर चाहूँगी कि तुम सारे दर्शकों को सुनाओ लोक गीत की होंगे, बड़े सारे लोगों को पता नहीं है कि लोक गीत की है और तुम्हें उसके पर काम भी किए। हाँ जी हाँ, लोक गीत मतलब कि अस जड़े अस बोलने हैं जड़े कुसे ने लिखे दे नहीं हैन। जियां सबसे पहले अस गल करने संस्कार गीत, ते ब्याहें च गीत गाए जांदे न जियां संस्कारें दे मंगलिक गीत, जेह्ड़े कि अस अज्ज भी महिलाएं जेह्ड़ियां उ'ऐ लोक गीत दोहरा दियां। जियां मन्नी लो तुस अस बच्छ दुआ दा बरत ऐ ते ओह्दे च लोक जेह्ड़ा गीत गाया जांदा ऐ ओह् अज्ज भी उ'ऐ दोहराया जांदा ऐ, ओह् कुसै ने लिखे दा नहीं ऐ। हाँ जी लोक गीतें वैसे ते पैह्लें कल्चर अकैडमी ने भी कीते दा हा, मैं डाकूमेंट नहीं कीते दा, मैं कल्चर अकैडमी ने 18 भाग अग्गें गै छापे दे हे। मैं इसी अध्ययन कीते दा एह्दे पर कि केह्ड़े मौके पर केह्ड़ा गीत जेह्ड़ा ओह् गाया जांदा है और एह्दे पिछे केह् धारना ही साढ़ी। जियां साढ़े संस्कार गीत अगर अस लेई लैचै ते संस्कार गीतें च हर मौके पर गीत ऐ। जिसलै अस जन्म होंदा ऐ ते ओह्दे पर ब्याहियां गाइया जंदियां न, जिसलै बच्चे दे मुन्नन होंदे न ते उसलै गीत गाए जंदे न, जिसलै बच्चे ब्याह होंदा ऐ ते उसलै सेहराबंदी दे गीत अलग न, जियां बारने भरदा ओह्दे अलग न। ईवन कि इत्थे जदों बच्चे दा जन्म होंदा ते मैं बड़े सारे ग्राएं च भी गई, लोक गीत कट्ठे कीते मैं अपने तौर पर। एक्चुअली जेह्ड़े छपे दे 18 भाग ओह् काफ़ी नहीं हैन, इहदे अलावा हज़ारां गीत न जेह्ड़े कि अज तक छपे नहीं चुके, और मैं कुछ जेह्ड़े गीत न ऐसे भी ले न जेह्ड़े नहीं छपे दे अज तक। ते अस जिसलै मैं ग्राएं च गई ते उत्थें इक धारना ही कि अगर जिसलै बच्चा पैदा होंदा ऐ ते अगर उसी ब्याहियां नहीं गाइया जान ते ओह् बच्चे दी कन्ने दी प्रॉब्लम होई जाती है। ते ओह् आखदियां दाइयां आखदियां कि ब्याहियां गाओ ते ताकि एह्दे कन्ने च पाओ ताकि जिंदगी च ओह्दे च कन्ने दी प्रॉब्लम नहीं होग। ते एह् मेरे ख्याल च एह्दा शायद होई सकदा कोई वैज्ञानिक लाजिक भी होवे, पर एह् गीत एह् गल है जेह्ड़ी मतलब सुनने अस। जियां महिलाएं संस्कार गीत ऐ, मौसम संबंधी गीत न, हज़ारां गीत न मौसम संबंधी जेह्ड़े अज्ज भी हैन। महिलाएं दा दर्द जेह्ड़ा जेह्ड़ियां कि एक दूसरे अपना दर्द अपने अंदर छपाइयै रखदियां न, इस किस्म दे हज़ारां गीत न। पुरुष जेह्ड़े भारी कम्म करदे न जेह्ड़े मतलब अज्ज चलो शायद नहीं होंदा, अज्ज दे सारे कम्में असें मशीनां आई गेइयां सब कुछ आइयां, दीवारां चाढ़नियां, छत पाने, शतीरियां चुक्कियै उप्पर चढ़ानियां, ते ओह् बड़ा मुश्किल कम्म हा। ते उस कम्म च ओह् गीत गांदे हे कन्नै कन्नै ताकि साह नहीं चढ़े, ते ओह् गीत दा वैज्ञानिक जेह्ड़ा जिसम च थोड़ा फर्क पौंदा हा। ते ओह् एह् लोक गीत ओह् गीत न जेह्ड़े कुसै ने लिखे दे नहीं हैन, और जेह्ड़े साढ़े समृद्ध इन्ना समृद्ध ऐ साढ़ा डुग्गर प्रदेश, इन्नी डोगरी भाशा इन्नी समृद्ध ऐ ओह्दे कन्नै कि अस मेरे ख्याल च मैं कल्चर अकैडमी गी बी हमेशा आखनी आं कि असेंगी होर एह्दे पर कम्म करना चाहिदा, होर गीत कट्ठे करने चाहिदे न। ओह् जियां बाखां गांदियां जनानियां, ओह् बाखां इन्नियां ओह् शैली जेह्ड़ी ऐ सिर्फ डुग्गर प्रदेश हर कुतै नहीं ऐ। ते उस एज इट इज़ अस हाँ थोड़ी जेही केईं बारी आहत होंदी ऐ कि अस लोक गीतें दी भी जेल्लै अस गाने आं जेल्लै म्यूजिक कन्नै गाने आं ते ओह्दी लय ताल भी थोड़ा बिगड़ी जंदा ऐ, और जेह्ड़ा जनानियां गांदियां ओह् लय ताल जेह्ड़ा एक्चुअली लय ताल ऐ जेह्ड़ा अज्ज भी गांदियां न। और अज्ज भी मैं ग्राएं च जाइयै सुनियै आई हाँ, जदों मैं किताब लिखा दी ही ते मैं ग्रां च गई ही कुसै इक ग्रां च, ते उत्थें मैं जनानी गी इ'यां वैसे कुसै गी आखो ते शायद कोई नहीं गा, पर उ'नेंगी इक दो गीत सनाया ते फिर उ'नें काफ़ी सारे गीत सुनाए। जियां होली दे गीत हे जेह्ड़े कताबें च नहीं हे छपे दे ते मैं उत्थें सुनियै आई, फिर मैं अपनी कताब च ऐड कीते उ'नें। तुसें लोक गीत और डोगरी साहित्य उप्पर तुसें कताबां भी लिखी दियां जियां तुसें ट्रांसलेट कीती है पाकिस्तान दी हकीकत कन्नै रूबरू जी, भेत भरोचे गीत रसीले एह् कताब ऐ डोगरी एह् डोगरी च ऐ, ते एह्दे च जेह्ड़े वाद्य यंत्र साढ़े डोगर दे वाद्य यंत्र न उसदे पर भी मैं फोटोआं भी दित्ती दियां न ओह्दियां, ते कन्नै ओह्दे बारे च लिखे दा भी ऐ, उसदियां फोटोग्राफ भी हैन एह्दे च। इसदे जियां फोटोग्राफ ने आह्लियां चंग ऐ इत्थों दा जेह्ड़े ना एह् बनाए जंदे न, इसी खुद बनांदे हे इत्थे और लोग गांदे हे। इत्थों दा जेह्ड़ा एह् पिपनी ढोलकी किंग एह् किंग इत्थों दा गै वाद्य यंत्र ऐ, कुतै होर नहीं बजाया जंदा ऐ किंग जेह्ड़ा। नरसिंगा कैल कैल इत्थों दी तुसें पता गै ऐ, कैल जेल्लै हां ब्याह कारजें दी शुरुआत कैल कन्नै गै होंदी ही। चिकारा इक तारा लगभग किन्नियां कताबां तुसें हाली तक लिखी उड़ी दियां डोगरी लोक गीत उप्पर साहित्य उप्पर?
नहीं मेरा कल्चर भी, कल्चर कन्नै भी हां इक ए लोक गीतें दी कोई 5-6 कताबां ते इयो ने लोक गीत लोक साहित्य उप्पर हां। एक्चुअली मेरा इतिहास उप्पर भी थोड़ा इंटरेस्ट है पर ओह आलियां मैं किताब नहीं हले तक मेरी पब्लिश होई सकी पर आर्टिकल्स लिखे थे इतिहास उप्पर। हां जी हां जी इतिहास किताब नहीं हुई आर्टिकल लिखे केड़े इतिहास उपर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री केड़े मेरी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा इतिहासकार बढ़िया मतलब जियां मन लो हुन से जियां अमृत उत्सव चला दा हा ते ओदे च मैं जड़ियां डुगर दियां नारियां ने उंदे पर काम कीता हा। अच्छा डुगर दियां जियां मुगल काल च भी थोड़ियां डुगर दियां नारियां जड़ियां अज तक जड़ियां नारियां होईयां थोड़ा उन्हें की स्टडी कीता थोड़ा ते कोई वैसे मैं तो एक किताब देखा बरखा के बाखा के आखरियां इस बाखा बाखा ना मतलब है कि कहावत प्रावरव। अच्छा असि से बाख हां जी अब बाख भी आखने है इथे अस बाख 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 जड़ी है ओ गाने वाली है जड़ा अस ओ बकरी है ओ शैली है साडी इथे दी गानी है इथे दी गाने वाली ते ए बाखा ए बाख ते आदे ना कि जिया कुसने कहावत बोली ते ओ है हिंदी दा शब्द एक्चुअली जी कोई डोगरी सुनाई दो तुसी जिया दो एक तलवार दो मैंने एक मियार दो तलवारां नहीं समान दिया जा फिर ऊंट दे मुंह च जीरा जी जी ए डोगरी पाखा हां डोगरी पाखा नहीं बाख बाख ठीक है ए बाखा के आखा बाखा क्या मतलब बाखा दे बारे च के के आख्या जा सकदा इस दिया मतलब कि इस दे च एक सोहरियां बाखा जणियां कहावतां ने मैं वैसे भी कीती जी आज तक लिखे नहीं गईयां एक्चुअली इदे पर तारा समैलपुरी है एक साडे राइटर ते उन्हें कठे कीती हां 1961 च जदों कल्चर अकैडमी बनी ही ते ओदे बाद एक विशन दास दुबे है ते उन्हें भी थोड़ी जिहा किताब कहावतां लिखी दियां ओह्दे बाद कोई होर किताब काम नहीं होया पर हज़ारा इत्थे कहावतां हज़ारा अस आखी सकने आं जड़ियां कि अस अगर अस इकट्ठियां करचै ते बड़े बड़े ग्रंथ तैयार होई सकदे न पर जेह्ड़े कि जिहदे पासे कोई ध्यान नहीं देआ दा अज तक ते ओह इह ते मेरे ते थोड़ा जिहा प्रयास है पर इहदे पर मैं लास्ट सवाल है तुंदे नाल किन्ना जरूरी है लोक साहित्य लोक गीत ही प्रिजर्व करियै रखना डाकूमेंटेड करियै रखना अस दिखाने तुसें बड़ा ज़्यादा जेह्ड़ा काम भी कीते दा कताबां भी इत्थें लिखियां अवि यात्री भी हून है अक्स भी है इत्थें मेरे सामने पेदी पाकिस्तान दी हकीकत कन्नै रूबरू किन्ना जरूरी है क्योंकि गल उ आती है कि आखते हैं डोगरी कुदै ना कुदै जी है वह अगर तुस आखते खत्म नहीं होआ दे लेकिन रिस्पैक्टफुल पोजिशन ओह् भी नहीं है। अस एक गल मैं ओह रखगी तुसें इतिहास की गल की ही ना एक्चुअली मैं डायरेक्टली इतिहास कन्नै नहीं जुड़ी दी है साढ़ा इत्थे जम्मू का इतिहास लिखा गै नहीं गया है अगर अस कुसै दे बारे च जानकारी हासिल करनी है तो असें गी सिर्फ साढ़ा सहारा है सिर्फ कारकां जिदे अस जिदे थ्रू अस लिखी अज तक लिखी सके आं मन लो हमारे साढ़े मियां डिड्डू होए न बाबा जित्तो होए न इंदे बारे च कोई लिखे दा इतिहास कताबां लिखे भी गईयां न पर इंदे बारे च कुसै ने कुछ नहीं लिखेआ बाबा जी तो एडे वे होए न उन्हें इंदे बारे कुछ असें गी सिर्फ अगर असें प्रिजर्व करी पाए हैं तो सिर्फ लोक साहित्य दे करने गे कारकें च जेह्ड़े कि अज भी गाड़ी जोगी लोग मतलब कि मंदरें च जां देवस्थानें दोहरांदे न साढ़ा इयो एक आधार है अगर अस एह् अगर खत्म होई गेआ ते फिर ते साढ़ा इतिहास गै साढ़ियां जड़ां गै खत्म होई जाङन ते अस अगर अस अज्ज बी अस बेशक अस तरीके दे हिसाब कन्नै कोई चीज़ नहीं असेंगी अज्ज बी लोक साहित्य दे कुसै असेंगी इतिहास दी गल्ल करदा ऐ कोई अगर कोई कुसै बंदे दी कुसै शख्सियत दी गल्ल करदा ऐ यहां तक कि महाराजा गुलाब सिंह दी गल्ल करनी होए ते तद भी असेंगी थोड़ा जिहा उन्ना सहारा लैना पौंदा कारकें दा कि लोकें उसलै केह् आखेआ हा इंदे बारे च ते जियां मियां डीडो है ते मियां डीडो दे बारे च ते लोकें गलत धारणा इत्थे करी दित्ती दी ही कि हां जी ओह् इक डाकू है ते ओह् डाकू मतलब उनेंगी ओह् गरीबें गी मदद करदे हे अमीरें गी लुटदे हे ऐसा कुछ नहीं हा ओह् डाकू भी ओह् ते इक राजवंशावली समां हा मियां डीडो ते ओह् उ'नें ओह् ते साढ़ी सीमाएं दी रक्षा कीती उ'नें जेल्लै अस इतिहास गी करने आं जेल्लै अस कारकें गी परखने आं जेल्लै अस उ'नेंगी पढ़ने आं उ'नें ते साढ़ी सीमाएं दी रक्षा कीती जिन्नी मर्जी साढ़ी मुश्किल आई साढ़े जम्मू स्टेट उप्पर जां सारे मतलब कि डुग्गर प्रदेश च पर उ'नें अपनी सीमाएं गी लंघन दित्ता ते ओह् चीज़ असें गी अगर साढ़े कोल अगर कारकां नहीं होंदियां साढ़े कोल अगर लोक साहित्य नहीं होंदा ते असें ते पता नहीं चलना कि ओह् कौन हे नहीं किन्ना जरूरी है सी क्योंकि अज्ज दी डेट च लोग ज्यादातर स्टूडेंट भी आखदे ने टेक्नोलॉजी जमाना उधर चलचा साहित्य वाल थोड़ा घट ध्यान अगर अगर स्टूडेंट की अगर साढ़े साढ़ी जड़ें दे बारे च नहीं पता होग साढ़े इतिहास दे बारे च नहीं पता होग ते ओह् कि'यां अग्गें बधी सकनगे उनेंगी अग्गें बधने आस्तै ते साढ़े पिछले जेह्ड़े इतिहास ऐ साढ़े जेह्ड़े लोग होए न साढ़े केह् मतलब कि अस किस तरीके दे अस ऐ हे ओह् सारा कुछ असेंगी लोक गीतें पर लोक साहित्य च कहावतें च मिलदा असेंगी
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕਰਨ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਉਹੇ ਸੇਮ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਐਸੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਕੀ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਸੁਣਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਖੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਨੀ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਕਹਾਵਤਾਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸਮੈਲਪੁਰੀ ਨੇ 1961 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਸਕਦਾ। ਇਸੀ ਕੰਮ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸਰੀਨੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਡੁੱਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਡੋਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 2021 ਮਿਲਿਆ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਵੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਤਵੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੰਨਾ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀਦੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਹੋਣੇ, ਜਿਸਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਗਏ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੋਂ ਉਸਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸਰੀਨੋ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡੋਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸਰੀਨੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਉੱਪਰ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਔਰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੀ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, PhD ਇਹਨੇ ਡੋਗਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2000 'ਚ PhD ਅਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨੇ PhD ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਵਾਖਾਂ ਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਭੇਦ ਭਰੋਚੇ ਗੀਤ ਰਸੀਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੋਗਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸਰੀਨੋ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਹੇ ਧਰਮਪਤ ਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਡੀਡੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚਾਹੇ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਖੇ 'ਚ ਲੋਕ ਉਸ ਲਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਸ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਦਰ ਨਾ ਕੁਦਰ ਸਾਡਾ ਡੋਗਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਡੋਗਰਾ ਕਲਚਰ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੀਲਮ ਸਰੀਨੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਡੋਗਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਉੱਪਰ ਕੰਗਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿੰਮ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਨਾ। ਕੈਮਰਨ ਕਾਕਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਕਜ ਖਜੂਰੀਆ, ਜੈ ਹਿੰਦ।